उड़ीसा जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, ऑलराइट, एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज़ क्वालिफाइड द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड शी विल बी गोइंग टू जॉइन दिस सेशन विद इन फ्यू मिनट्स. दिस वॉज हर फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑलराइट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल थिंग. गुड इवनिंग गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. बताइए, आपने कब ज्वाइन किया था हमारा सेशन? सर, मैंने 2021 दिसंबर 2021 दिसंबर में आपने ज्वाइन किया, गुड. और अबाउट आई थिंक 12 मंथ हमारा पूरा कोर्स चला था, जी करेक्ट. सर और मधुस्मिता जी एक ऐसी स्टूडेंट थी जो एंड तक सारी क्लासेस उन्होंने अटेंड करी. थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, जब हेल्थ इश्यू होता है तो थोड़ा एक्सेप्शन हम ग्रांट करते ही हैं, ऑलराइट, अदरवाइज देन दैट तो सारी क्लासेस उन्होंने रेगुलरली अटेंड करी और उसी का कहीं ना कहीं हम रिजल्ट देख रहे हैं दैट शी हैज़ क्वालिफाइड इन हर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. चलिए, आप बताइए कितने आवर्स की क्लास होती थी आपकी? सर, 1.5 आवर क्लास होते कब से कब तक क्लासेस होती थी आपकी? फ्रॉम मंडे टू मंडे टू फ्राइडे। फ्राइडे होता था. ऑलराइट, पढ़ाई कैसे की जाती थी? किस तरीके का आप फीडबैक देना चाहेंगे? सर, मैं फीडबैक ये देना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे कॉलेज में क्लासेस नहीं होती थी और मैंने कॉलेज में कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था, और सर ये मेरे लिए डिफिकल्ट था क्योंकि मैं जॉब होल्डर हूँ, पोर्ट में, क्लरिकल पोस्ट में हूँ, तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट करना भी मुश्किल था। और आप ही की गाइडेंस से, आपने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे ही पढ़ाई किया, और क्लास में जो आप पढ़ाते थे बस मैंने उन्हीं पे फोकस किया था सर। ठीक, गुड, ऑलराइट. क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली एक चीज़ जो मुझे लगा जो आप में स्पेशल था दैट वाज द डेडिकेशन. और ऐसा नहीं है कि मधुस्मिता जी की लाइफ में भी अप एंड डाउन्स नहीं आए. मोस्ट ऑफ द टाइम आई गॉट कॉल फ्रॉम हर दैट शी हैज़ नॉट बीन इन अ गुड हेल्थ फॉर पास्ट फ्यू वीक्स और फ्यू डेज एंड स्टिल शी कंटिन्यूज़. एक बार मुझे याद है जब नोटिफिकेशन आया था उड़ीसा जुडिशियल सर्विस का एंड शी कॉल्ड एंड सेड कि सर मुझे रिवीजन करना है. वी स्टार्टेड द रिवीजन और उस रिवीजन को स्टार्ट करने से पहले मैंने उनको कॉल किया था कि चलिए इस डेट से हम रिवीजन रखेंगे तो आप कंटिन्यू करना. एंड शी कुडंट एबल टू स्पीक. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर. शी गॉट सो इल्ड. उनका गले में भी दर्द था एंड आई कुडंट एबल टू रिकॉग्नाइज हर वॉइस. पेन था उनके थ्रोट में. तो मैंने कुछ टाइम दिया था कि लेट अस जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज देन वी विल स्टार्ट द रिविजन. और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग इज़ दैट कि अप एंड डाउन्स आने के बाद भी कंटिन्यू करना और उसी पैशन के साथ करना, दैट इज़ समथिंग वॉट सक्सेस नीड्स. ऑलराइट, सक्सेस को यही चीज़ तो चाहिए, आपका डेडिकेशन, आपकी पावर, आपका पोटेंशियल, जब भी आपको मिलता है. तो बहुत अच्छा लगा ये जान के, ये सुन के, ये न्यूज़ लेकर, आपसे डिस्कस करके बहुत अच्छा फीडबैक मिला और बहुत अच्छा लगा. ऑलराइट, और कुछ अगर आप पर्सनल लेवल पे शेयर करना चाहें स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको भी कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, बताइए. सर, गाइडेंस तो नहीं लेकिन आप एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगी कि सर जो बोल रहे हैं सर की गाइडेंस से ही आप आगे चलिए, और स्ट्रेस नहीं लेना है जो कि मैं बहुत ज्यादा लेती थी, लेकिन सर मुझे हर स्टेप में बताते थे कि इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, बस यही बोलना चाहूंगी सर, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच. आपके हार्डवर्क ने आपके सामने आपका रिजल्ट रखा है, बहुत खुशी हुई जान के. और मैं ये भी बोलना चाहूँगा दैट शी हैज़ क्वालिफाइड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. शी सून विल क्वालिफाई मेंस एज वेल. वाई? बिकॉज आई नो हर. हर डेडिकेशन इज़ वेरी स्ट्रांग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी हैज़ सफर्ड फ्रॉम इलनेस
इवन थोड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी था घर में, बट स्टिल शी मैनेज एवरीथिंग एंड शी हैज़ क्वालिफाइड इट. अब हम मेंस का भी प्रिपरेशन करेंगे, ऑलराइट. एंड एज कंपेयर टू प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस इज़ वेरी डिफरेंट, ऑलराइट. तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी आप लोगों से शेयर करूँगा, बट नॉट इन दिस सेशन. एक स्पेशल सेशन रखेंगे, इन दैट सेशन विल डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट क्वेश्चंस, व्हाट टू फोकस अपॉन मेंस, ऑलराइट. इज केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट और नॉट, शुड वी कैन आंसर द क्वेश्चन विदाउट केस लॉ, और शुड वी गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर केस लॉ, ऑलराइट. ये सब डिस्कशन भी करेंगे. थोड़े क्वेश्चंस और हैं, लाइक मधुस्मिता जी, क्या आपको नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते थे या नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे? सर नोट्स प्रिपेयर करना नहीं पड़ता था, सर सबसे ही मिलता था वही नोट्स, और क्लास में सर कुछ टिप्स देते थे जिसको बैरेट्स के साइड में लिखना पड़ता था, बस वही नोट्स सर प्रोवाइड करते थे। रिकॉर्डेड वीडियो मिलती थी आपको प्रॉपरली? जी सर, रिकॉर्डेड वीडियो जो क्लास में आप पढ़ते थे वही वीडियो मिल जाता था रिवीजन के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है. मधुस्मिता जी, आप अपनी फीलिंग बताइए, व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ? जो आपने हार्डवर्क किया, उसका जो रिजल्ट आपको मिला आज, कैसा फील हो रहा है? सर मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, और स्पेशली थैंक टू यू सर, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत हर्डल्स आए थे, जैसे कि फैमिली का भी बहुत इश्यूज था, मैंने आपसे बताया था सर, आप ही ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सर, और उसी के बदौलत शायद मैं आज प्रीलिम्स में क्लियर कर पाई। थैंक यू वेरी मच सर। सर इसमें आपका और मेरा दोनों का बराबर मेहनत रहा है, और आप जैसे बताए थे अगर मैं वो नहीं करती तो शायद आज सक्सेस नहीं हो पाती सर। देखिए, प्रॉपरली गाइडेंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने क्लास में हर एक स्टूडेंट को कहा था कि कीप रिवाइजिंग योर नोट्स. लॉ इज़ वेरी इजी, बट लॉ इज़ वेरी वाइड. तो आपने क्वालिफाई किया प्री, राइट. देयर आफ्टर हम फिर मेंस का प्रिपरेशन करेंगे. आई थिंक अभी डेट्स नहीं आई है मेंस की, या डिक्लेयर कर दिया है? टेल मी. नहीं सर नहीं है। नहीं आई. अबाउट 2 मंथ्स आपके पास है अभी, राइट. सो विद इन 2 मंथ्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर मेन्स एज वेल, एंड वी गोना क्वालिफाई दैट. कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट. कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मैं आपको पर्सनली सेंड करूँगा. यू हैव टू आंसर दोज थिंग्स, एंड आई विल टेल यू हाउ टू राइट, एंड एवरीथिंग इज़ नॉट डिपेंड अपॉन केस लॉज, ऑलराइट. क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को परसेप्शन होता है कि सर केस लॉ लिखना ज़रूरी है क्या मेंस एग्जाम में? तो देखिए, अगर क्वेश्चन में दिया है एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट या एक्सप्लेन दिस प्रोविजन, एक्सप्लेन दिस डॉक्ट्राइन विद केस लॉ, तब तो आपको लिखना होगा. बट इफ देर इज़ नो रेफरेंस मेंशन इन अ क्वेश्चन रिगार्डिंग अ केस, तो आपको केस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है. बट स्टिल यू कैन राइट इलस्ट्रेशंस टू एक्सपेंड दैट आंसर, ऑलराइट. तो थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे, बट दैट विल बी अ स्पेशल क्लास. आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके, ऑलराइट. सो थैंक यू मधुस्मिता जी, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड कीप डूइंग योर बेस्ट एज यू ऑलवेज डन योर बेस्ट, ऑलराइट. डू नॉट टेक स्ट्रेस रिगार्डिंग एनीथिंग, एंड कीप रिवाइजिंग. स्टिल योर हेल्थ इज़ नॉट गुड, ऑलराइट. बट अब ठीक हो जाएगा हेल्थ, अब आपको रिजल्ट मिल गया, नाउ योर हेल्थ विल बी फाइन, राइट और नो? जी सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू.